नदी में जादुई लहंगा घर। एक गांव में राधिका अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा चाची बहुत ही लालची इंसान थे। राधिका के माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसके माता पिता ने राधिका के नाम सारी प्रॉपर्टी कर रखी थी। उसकी चाची उसको गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। राधिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। राधिका ने अपनी 10वीं कक्षा पार कर ली थी। अरे सुनो जी, हमने राधिका को बहुत पढ़ा लिया, अब हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, हमने उसे ATM मानकर अपने घर में रखा था। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। हाँ, और हमारी कमाई का साधन भी बनेगी वो। मैं अब उसे सिलाई सिखाऊंगी, आजकल सिलाई बहुत महंगी हो गई है। वो रोज हमें पैसे लाकर देगी और घर के सारे काम भी किया करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है और कहती है, चाची जी, मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, आप मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दीजिए। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बड़े होकर टीचर बनूं। अरे तेरी माँ कौन सा यहाँ पर पैसों का भंडार छोड़कर गई थी, जो हम तुझे खिलाते भी रहे और पढ़ाते भी रहे। हम तुझे फ्री का खिला रहे हैं और तुझे इतना पढ़ा दिया, और तू आगे की पढ़ाई करने का सोच रही है। तो आप ही बताइए चाची, मैं क्या करूं? देख, मैंने तेरा नाम सिलाई सेंटर में लिखवा दिया है, तू वहाँ जाकर सिलाई सीख। उसके बाद मैं तुझे एक सिलाई की दुकान खुलवा दूंगी। अगर काम सीख जाएगी तो दो पैसे भी कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। और वैसे भी तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार बने बैठे हैं। अगले दिन से राधिका सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाने लगी। कुछ दिनों बाद वो बहुत अच्छे से सिलाई सीख जाती है। उसके बाद चाची उसको एक बुटीक खुलवा देती है। देख, मैंने कितनी अच्छी दुकान खुलवाई है तेरी, तू मेरी बेटी जो है, तू मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना कर। अब तू यहाँ पर मन लगा कर सिलाई कर, और हाँ, सिलाई से जितने भी पैसे मिलेंगे तो तुम वो सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रख देना, क्योंकि मैंने तेरी दुकान खुलवाने के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा है, मुझे वो कर्जा चुकाना है। ठीक है चाची। अगले दिन से राधिका सिलाई करना शुरू कर देती है। शुरू शुरू में राधिका के पास सिर्फ एक या दो ही ग्राहक आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिलाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और उसकी दुकान पर बहुत ग्राहक आने लगे थे। राधिका अपनी सारी कमाई अपने चाचा चाची को देती थी और रोज सुबह घर का सारा काम करती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर चली जाती थी। शाम को घर वापस आकर अपनी चाची को सारे पैसे दिया करती थी और शाम को भी घर में सारा काम किया करती थी। राधिका बहुत ही दयालु थी और बहुत ही नेक लड़की थी। एक बार एक परी बूढ़ी औरत का रूप बदलकर राधिका की दुकान में आती है और कहती है, बेटी, क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल दोगी? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ बेटी। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं आपके कपड़े सिल दूंगी, आप कल आ जाना। थोड़ी ही देर बाद एक और लड़की उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बहन, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल सकती हो? मैं तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए फ्री में कपड़े सिल दूंगी, तुम्हें उसके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राधिका उन दोनों के लिए कपड़े सिलती है। उसके बाद अगले दिन वो बुढ़िया और लड़की दोनों अपने कपड़े लेने आ जाती हैं। फिर राधिका शाम को अपने घर लौटती है। आ बेटी, देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, वो भी पनीर वाले। वैसे कितने पैसे लाई है आज तू? चाची जी, आज बिल्कुल कमाई नहीं हुई है। राधिका की ये बात सुनकर उसकी चाची उसको एक थप्पड़ मार देती है। कल मुही, क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ गए सारे पैसे? कहाँ घूम रही थी तू, जो आज एक भी रुपए नहीं लेकर आई? इसके बाद राधिका अपनी चाची को सारी बात बताती है। अरे मनहूस, हम तो खुद ही गरीब हैं। तुझे पता है आज का समय कितना महंगाई वाला है? मैं तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ और तू है कि फ्री में कपड़े बांटती फिर रही है।
मैंने तुझे इसलिए सिलाई सिखाई है ताकि तू दो पैसे कमा सके। अब जल्दी से यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जा और जाकर घर का सारा काम कर, बेवकूफ कहीं की। रोते रोते राधिका वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन वकील की पत्नी कपड़े सिलवाने आती है। राधिका उसके बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। उसके बदले में वकील की पत्नी उसको 6 सोने के सिक्के देती है। अरे वाह, आज तो चाची बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। शाम को राधिका अपने घर लौट रही थी कि तभी उसको रास्ते में एक औरत अंधे आदमी के साथ नजर आती है। बेटा, मुझे अपने पति के आंखों का ऑपरेशन कराना है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे थोड़े पैसे की मदद दे सकती हो? ये तो बहुत दुखी लग रही है, अगर इनके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारे सोने के सिक्के इन्हें दे देती हूँ। उसके बाद राधिका वो सारे सोने के सिक्के उस औरत को दे देती है। ये लीजिए, अब आप अपने पति का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा लीजिए। उसके बाद राधिका अपने घर चली जाती है। अरे बेटी, आज मैंने अपनी सहेली से सुना कि तुझे आज 6 सोने के सिक्के मिले हैं। ला बेटी, जल्दी से सोने के सिक्के मुझे दे दे। अरे ऐसे क्यों खड़ी है, जल्दी दे। राधिका अपनी चाची को सारी बात बताती है। उसकी चाची वो सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और राधिका की खूब पिटाई करती है। मेरे लाख समझाने के बाद भी तू मान नहीं रही है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपनी दुकान का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। उसके बाद राधिका की चाची राधिका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। राधिका थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वही औरत और उसका अंधा पति प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते वो अंधा आदमी एक परा और वो औरत एक परी में प्रकट हो जाती है। बेटी, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सच में बहुत ही ईमानदार लड़की हो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद परा और परी मिलकर अपने जादू से बादलों में एक छोटा सा लहंगे का घर प्रकट करते हैं। बेटी, ये एक लहंगे का घर है, तुम इसे गांव के पास वाली नदी में रख देना, उसके बाद ये एक बहुत बड़े लहंगे के घर में बदल जाएगा, उस घर में तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद राधिका उस घर को गांव के पास वाली नदी में रख देती है और देखते ही देखते वो एक बड़े घर में बदल जाता है और वो एक जादुई लहंगे का घर बन जाता है। और वो देखती है कि उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी। उसके बाद से राधिका उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। जादुई लहंगे का कुआं। एक गांव में काव्या और करुणा नाम की दो सहेलियां रहती थी। करुणा के पापा अपने गांव के वकील थे, इसलिए वो अच्छा कमाते थे और वही काव्या के पिता मजदूरी किया करते थे। दोनों सहेलियों की अमीरी और गरीबी में जमीन और आसमान का फर्क था। करुणा हर वक्त अपने पापा के रुपए पर अपना रुतबा दिखाने की कोशिश किया करती थी। वही दूसरी ओर काव्या को उसकी जिंदगी में जितना मिलता था वो उतने में ही खुश रहती थी। काव्या हर काम में सर्वगुण संपन्न थी, पढ़ाई से लेकर घर के काम में वो सब में आगे थी, जिसकी वजह से करुणा की माँ हमेशा करुणा को ताने दिया करती थी। करुणा बेटी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। लेकिन माँ, मुझे चाय बनाने नहीं आती। करुणा, तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ये सब काम करने होंगे। बचपन में तुमने आज तक अच्छे नंबर लाकर हमारा सर ऊंचा नहीं किया और अब क्या ससुराल में जाकर भी मेरा ना कटवाओगी? इतने में ही करुणा के पिता मुकेश भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? आपने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। देखो काव्या को, उसके पिता इतनी अच्छी नौकरी नहीं करते, इसलिए उसे जरूरत का हर सामान नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बेचारी बच्ची को देखो, पढ़ाई लिखाई कढ़ाई सिलाई बुनाई सब में आगे है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो करुणा की तरह एक लड़की ही है, तो फिर आपकी बेटी को बात बात पर पैसे क्यों चाहिए होते हैं? ऊपर से कुछ काम नहीं आता। उस समय मुकेश भी चुप रहा।
शांति अपने काम में लग जाती है। देखो बेटी, तुम्हारी माँ का तो काम है बोलना, लेकिन तुम्हारी माँ की एक बात सही है कि काव्या बहुत अच्छी लड़की है, और ये खुशी की बात है कि वो तुम्हारी दोस्त है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम घर के बंधन में बंद कर रहो। तुम्हें जो करना है तुम करो, जाओ बाहर मस्ती करो, खेलो कूदो। इतना बोलकर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। अपने माता पिता के मुँह से अपनी सहेली काव्या की इतनी तारीफ सुनकर करुणा को काव्या से जलन होने लगती है। सिर्फ उस काव्या की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे इतनी बातें सुनाते हैं। मैं इस काव्या को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, बस अब इंतजार है तो एक अच्छे मौके का। कुछ समय बाद करुणा के माता पिता उसकी शादी गौरव से तय कर देते हैं। गौरव दिखने में थोड़ा काला था, लेकिन वो भी करुणा के पिता की तरह ही एक अच्छा वकील था। करुणा अपने शादी का न्योता काव्या को देने जाती है। आओ करुणा, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है तुमसे, बैठो। नहीं नहीं काव्या, तुम्हारे घर में पता नहीं क्यों मुझे बहुत घुटन होती है, शायद वो छोटा है ना इसलिए। वैसे मैं यहाँ अपने शादी का न्योता देने आई थी। वाओ करुणा, तुम्हारी शादी तय हो गई है, मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी? हाँ, मेरी भी शादी तय हो गई है, मेरी शादी अगले हफ्ते ही है। काव्या करुणा को ये बात बता ही रही थी, इतने में ही बाहर से काव्या के पिता अंकित के साथ आते हैं। अंकित को देखकर काव्या शर्माती हुई करुणा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। काव्या के इस व्यवहार के बारे में करुणा उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे पिता के आते ही तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? तुमने मेरे पिता के साथ उन्हें देखा? उन्हें कौन? वो लड़का कौन था, वो नौजवान युवक, दिखने में कितना सुंदर था। वही मेरे होने वाले पति हैं, वो सरकारी नौकरी करते हैं। काव्या का होने वाला पति अच्छा दिखता है और अच्छा कमाता है, ये देखकर करुणा को फिर से जलन होने लगी। मेरे होने वाले पति बस थोड़े से सांवले हैं, वरना दिखने में वो तुम्हारे होने वाले पति से भी बहुत सुंदर है, और वो तुम्हारे पति से हर रोज 4 गुना ज्यादा कमाते हैं। मैं तुम्हें बस इतना कहने आई थी कि मेरी शादी में जरूर आना और खाना खा कर जाना। तुम्हारी शादी अगले हफ्ते है ना, पर मेरी इसी हफ्ते में है, शादी में जरूर आना, चलती हूँ। इतना कहकर करुणा वहाँ से चली जाती है। काव्या के घर वालों को उसके शादी की चिंता सताने लगी। काव्या की माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते बेटी की शादी है, इतना खर्चा होने वाला है, सारे पैसे जोड़कर रखे हैं मैंने, लेकिन उसकी शादी के लिए अच्छा लहंगा भी तो लाना होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए जी, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। शादी में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है, अब धीरे धीरे का समय गया। काव्या अपने माता पिता की बात सुनकर कहती है, माँ पिताजी, क्या मैंने आपको कहा कि मुझे सुंदर लहंगा ही चाहिए, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई डिमांड होगी। आप ये सब छोड़िए, आज करुणा की शादी है, हमें उसकी शादी में जाना है, आप दोनों तैयार हो जाइए। उसके बाद काव्या अपने परिवार के साथ करुणा की शादी में चली जाती है। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी प्यारी सहेली। लग रही हो ना मैं बिल्कुल परी, मेरा लहंगा पूरे 1 लाख का है, देख तो कितना सुंदर है। तुम्हारा लहंगा तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। करुणा के शादी हो जाने के बाद काव्या अपने परिवार के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद वो करुणा के लहंगे के बारे में ही सोचती रहती है। कितना सुंदर लहंगा पहना था करुणा ने अपनी शादी में, लेकिन उतना सुंदर और इतना महंगा लहंगा मेरे घर वाले मुझे नहीं दिला पाएंगे। अब मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मैं अपनी शादी का लहंगा अपने हाथों से ही बनाऊंगी। अगले दिन काव्या सुबह सुबह उठकर अपना लहंगा बनाने की तैयारी में लग गई। पूरे दिन पूरी रात काव्या सिर्फ अपना लहंगा बनाने पर ही ध्यान देती रही। उसके माता पिता भी उसे कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि वो जानते थे कि काव्या अपने मन की शांति के लिए जो भी कर रही है उसे करने दिया जाए, क्योंकि वो उसे महंगा लहंगा नहीं दिला पाते। एक दिन और एक रात की कड़ी मेहनत से आखिरकार काव्या का लहंगा बन ही गया। उसका लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये लहंगा मेरी बिटिया ने बनाया है,
बहुत सुंदर है। मुझे नहीं लगता कि हम चाहकर भी ऐसा लहंगा खरीद पाते, क्योंकि ये लहंगा अनमोल है बेटी। काव्या भी अपना लहंगा देखकर बहुत खुश हुई। करुणा काव्या की खबर रखने के लिए अपने पति के साथ शादी के 2 दिन बाद ही काव्या के घर आई। उसके बाद काव्या ने करुणा को उसका लहंगा दिखाया। लहंगा देखकर करुणा मन ही मन सोचती है, इसका लहंगा इतना सुंदर और ये इस सुंदर लहंगे को अपनी शादी वाले दिन पहनेगी, मैं भी तो देखूं जरा कैसे पहनेगी। थोड़ी देर बाद करुणा अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है और रात को सबके सोने के बाद वो चोरी छुपे काव्या के लहंगे पर खिड़की से एक माचिस की जलती हुई तिल्ली फेंक देती है और वहाँ से फौरन भाग जाती है। लहंगे में आग लग चुकी थी। जब इस बात की खबर काव्या को ही, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ, पिताजी, मैंने कितनी मेहनत से अपने शादी वाले दिन पहनने के लिए ये लहंगा बनाया था, देखो ना, इस लहंगे में अपने आप आग लग गई। ये क्या हो गया, अब शादी को केवल 2 दिन ही रह गए हैं। काव्या की ये हालत देखकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता है। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? माँ और पिताजी तो अभी घर पर नहीं है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद काव्या उस बूढ़ी औरत को 2 रोटी और चटनी खाने को देती है। खाना खाते हुए बूढ़ी औरत कहती है, बरगद के नीचे वाला कुआं, हाँ बरगद के नीचे वाला कुआं, वही तुम्हारी मदद कर सकता है, उसे अपनी परेशानी बताओ। आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाई। वो बूढ़ी औरत काव्या की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली गई। वो अम्मा क्या कहना चाह रही थी, मुझे इस बात का पता लगाना है। बात का पता लगाने के लिए काव्या बरगद के नीचे वाले कुएं के पास पहुंचती है और कुएं के पास जाकर कहती है, हे कुएं महाराज, मैं नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन मैं यहाँ आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मुझे एक लहंगा दे दीजिए जिसे मैं अपनी शादी में पहन सकूं। मेरी मेहनत में किसी ने आग लगा दी, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तभी उस कुएं से आवाज आई, मैं सब जानता हूँ बेटी। इसके बाद उस कुएं से एक जादुई चमकता हुआ बहुत सुंदर लहंगा निकलता है। अपनों पर भरोसा कम किया करो, हर अपना भरोसों के काबिल नहीं होता। इस लहंगे को अपने साथ ले जाओ और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। आपका शुक्रिया। काव्या लहंगे को खुशी खुशी अपने साथ अपने घर ले आती है। लहंगा देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। काव्या खुशी से अपने माता पिता को जादुई कुआं के बारे में बताती है। शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन काव्या उस लहंगे को पहनकर बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर करुणा ये सोचकर शादी में आ रही थी, मैं देखना चाहती हूँ कि वो फटीचर कैसी लग रही है। इसके बाद करुणा काव्या की शादी में पहुँचती है। करुणा काव्या को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि काव्या ने अपने हाथ से जो लहंगा बनाया था वो लहंगा करुणा पहले ही जला चुकी थी, लेकिन शादी वाले दिन काव्या ने उससे भी चौगुना सुंदर लहंगा पहन रखा था। ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? क्यों काव्या, लग रही हूँ ना मैं परी? मुझे अफसोस है कि तुमने बहुत कोशिश की कि मैं शादी वाले दिन लहंगा ना पहन सकूं। करुणा मन ही मन सोचती है, इसे कैसे पता चला कि वो लहंगा मैंने ही जलाया था। वो सब छोड़ो, आज मेरी शादी है, मुझे बधाई नहीं दोगी? मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, मैंने तेरा घर उजाड़ने की बहुत कोशिश की, तो बहुत सुंदर लग रही है, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। उसके बाद काव्या की भी शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।